अगर आपको लगता है कि आपके घर में बहुत ज़्यादा वास्तु वाली प्रॉब्लम हो रही है या हमेशा नेगेटिव एनर्जी कोई रह रही है और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगी रहती है, कोई बीमार हमेशा रह रहा है, या फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, हेल्थ वाइज बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि एकाएक एक के बाद एक कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कुछ ना कुछ जैसे नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाती है तो ये सब प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती हैं, ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपके घर पर कुछ तो ऐसी चीज़ नेगेटिव है जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम आ रही है, तो इसके लिए बहुत अच्छा एक सोल्यूशन है। आप क्या करिए कि एक कटोरी में नमक रख लीजिए, ठीक है, और उसको नमक को रख के उसे आप अपने बाथरूम में रख दीजिए, मतलब बाथरूम में जहाँ पर आप अपना सोप शैम्पूज वगैरह रखते हैं वहाँ पर रख दीजिए। इससे क्या होगा, आपके जो घर की नेगेटिव एनर्जी है वो बहुत जल्दी दूर हो जाएगी और पॉजिटिविटी आने लगेगी। कोशिश करिए कि आप पानी में थोड़ा सा नमक डाल दें तब नहाएं। कोशिश करिए कि घर में अगर नमक के पानी का पोछा लगवाते हैं तो ये बहुत अच्छा। अगर ये तीनों चीज़ें आप एक साथ करते हैं ना तो नेगेटिविटी बहुत ही जल्दी रिमूव हो जाएगी और आपको हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा। आप हेल्थ वाइज अच्छे रहने लगेंगे, फाइनेंशियली ठीक रहेंगे, मेंटली एंड फिजिकली भी फिट रहेंगे। तो अभी से ये काम करिए कि एक कटोरी में थोड़ा सा नमक लीजिए, उसको बाथरूम में कहीं पर रख दीजिए और जब भी नहाने जाइए चुटकी भर कोई भी नमक ले लीजिए, मतलब वाइट नमक ही होना चाहिए, नमक ले लीजिए उसको डाल दीजिए और उससे नहाइए। पोछा जब घर में लगता है तो उसमें भी जो खड़ा नमक आता है ना वो वाला नमक डालिए, उसको पीस लीजिए या ग्राइंडर में या सिल से उसको पीस लीजिए और उसके बाद उसी से घर में पोछा लगवाइए। तो इससे क्या होगा, आपके घर की जितनी भी नेगेटिविटी है वो बहुत जल्दी रिमूव हो जाएंगी।